ઇલાઇટ ગુજરાતી, ગર્વથી ગુજરાતી. કેન વી ગો અહેડ? ઓકે, સો ક્યા હુઆ, હમને બહોત અચ્છા અપના પેજ બના લિયા. સપોઝ ઇન હાયપોથેટિકલ સિચ્યુએશન, બહોત અચ્છા પેજ બન ચુકા હૈ, એસા સબ કુછ રેડી કર દિયા હૈ હમને. નાઉ વોટ? નાઉ મેઇન થિંગ વિલ બિગિન. નાઉ ધ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ વિલ કમ. બિફોર સ્ટાર્ટિંગ ધ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, લેટ મી ગિવ યુ સમ ઓફ ધ સ્ટેટિક્સ ઓર ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ જો આપકો સમજના બહોત જરૂરી હૈ, ઠીક હૈ? So that you can understand ki okay aisa hai, fine. This is a three step strategy which we use to promote any social media platform. Basically hum koi bhi client ya brand ke liye sari cheeze karte hain hum, theek hai? Before starting this, let me write it down so that aap log confuse na ho. Ye jo strategy hum use kar rahe hain, is strategy ka final objective hai how to get the capture the leads. Clear? Okay guys. So, three step. मेरी handwriting बहुत खराब है, समझ में आने कुछ है. ठीक है, three step social media strategy. Or you can write the Facebook strategy. First, make followers. Second, make them engage, and third, do sell. The final outcome, rupees or dollar. So this is a three-step strategy basically we used to promote the any of the brands, and we are successfully doing this. Okay, can I start? Now what is a make followers? So it is very simple example that we are taking. This is a room, we are having participants. I am delivering the session, right? So there are participants to listen. Suppose ye room hai, ये रूम में एक भी लोग नहीं है, कोई भी नहीं है, एंड देन आई एम डिलीवरिंग द बेस्ट सेशन ऑफ माई लाइफ और बेस्ट सेशन ऑफ दिस वर्ल्ड. व्हाट विल हैपन? जीरो. किसी के पास पहुंच ही नहीं रहा मेरा सेशन, राइट? सेम अपन विद योर ब्रांड एंड सर्विसेज. यू आर हैविंग अ बेस्ट प्रोडक्ट. हम ऐसा मान के चल रहे हैं जो भी हमारे क्लाइंट आप लोग हैं उनके पास दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट है, एंड दे आर हैविंग द बेस्ट ऑफर्स, राइट? हमने जो फेसबुक पेज अपना इंप्लीमेंट किया है, जो बनाया है, हमें उस पर वो ऑफर देना है. सो एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज आई एम हैविंग अ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द रिटेल स्टोर ऑफ आईफोन, ठीक है? एंड बिकॉज मैंने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, सो आईफोन डायरेक्टली मेरे को अहमदाबाद का सबसे अच्छा डिस्काउंट रेट दे रहा है. सो मैं जो है सपोज 50% डिस्काउंट दे सकता हूँ, ठीक है? मैं 50% डिस्काउंट दे सकता हूँ. मैं क्या कर रहा हूं, मैंने एक होर्डिंग लगवाया, बहुत बड़ा होर्डिंग छपवाया. सो आई एम हैविंग अ टू ऑप्शन. ऑप्शन नंबर वन, आई एम पुटिंग दैट होर्डिंग इन टू दी अपना, लेट्स एन एग्जांपल, अल्फा वस्त्रापुर, एमएम श्यामल और इस तरीके के एरियाज जहां पे क्राउड आता है. सेकेंड ऑप्शन आई एम पुटिंग दैट होर्डिंग ऑन टू दू गिर का जंगल, अपने जो गिर के जंगल से. व्हाट विल हैपन? Lion will come, obviously. Same happen with our these things. हमारा brand page है, हमारे पास best products है, but we do not have the followers. So आप क्या कर रहे हो, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, दस दिन वहां पे अपनी post डाल रहे हो, सर हमारे पास best product है, हमारे पास best product है, लेकिन सुनने वाला कहां है? कहां है सुनने वाले? है ही नहीं. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक ब्रांड पेज एक बहुत ये क्लासरूम के वेरी सिमिलर होता है, वहां पे बाउंड्रीज हैं. वो ब्रांड पेज से बाहर किसी दूसरे के पेज पे नहीं चला जाएगा, वो आपके ब्रांड पेज पे ही पोस्ट आने वाली है. सो आपके ब्रांड पेज पर जितने फॉलोवर्स हैं आपकी पोस्ट सिर्फ उतनी तक जाएगी. एंड अगर सपोज हमारे स्टार्टिंग में हम कर रहे हैं तो हमें सबको पता है कि हमारे फॉलोवर्स कौन है,
इनिशियली हमारे फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप फ्रेंड्स के फ्रेंड्स मैक्सिमम ये लिमिट हमारी रहती है. वी नेवर ट्राई टू मेक देम ज़्यादा से ज़्यादा हमें फॉलोवर्स बनाने हैं. हम उसके ऊपर कभी काम ही नहीं करते. क्या करते हैं फिर हम मेहनत कर लेते हैं एक महीना फिर हम क्या बोलते हैं ना ना सोशल मीडिया ऊपर शैल ना था. आई एम ट्राइंग दिस बोले हूँ करूँ छू. वन ऑफ माई फ्रेंड आई गेस धर्मी इज देयर नो ना ही इज इन टू द प्रॉपर्टी एंड ऑल. सो दो दिन पहले हमारी बात हो रही थी तो ये साली के साथ तमें करो छो हूँ पण करूँ छू भले तमें शू बतावाना छो एटले सोशल आना ऊपर. बोला सर आई कैन एग्री ऑन दैट योर पार्ट बट बोले सोशल मीडिया थी आटलू रिजल्ट नहीं आवतु मारे. एंड ही इज वेरी जेन्युइन ऑन दिस पार्ट. आई कैन अंडरस्टैंड दैट जब एक नॉर्मल रहता है जब सोशल मीडिया से ही हैज ट्राइड एंड उनको नहीं आया नहीं मिला रिजल्ट. सो मैंने उनको ये बताया कि सर व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ आपको बिजनेस नहीं आ रहा ऐसा तो है नहीं कि मैं वो सारी की सारी चीज़ें रिपीट करवाऊंगा जो आप कर रहे हैं. सो हम यही चीज़ बताते हैं यही चीज़ डिलीवर करते हैं वी डिलीवर दिस काइंड ऑफ थिंग्स ओनली जिससे आपका बिजनेस इंक्रीज होने वाला है. गेटिंग माय पॉइंट. सो ये वो वाली कंडीशन है कि भाई वी डू नॉट हैव द फॉलोअर्स एंड हम प्रमोट कर रहे हैं हमारे ब्रांड पेज. व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ अहमदाबाद एक अप्रोक्सीमेटली 50, 60, 70 lakh. Suppose you are having a domestic or you can say the local business. Local business, everyone understand what is the local business? When your boundary is like Ahmedabad, you know that my customer is living in Ahmedabad. Check it. Till the time, your page is not reaching up to the 50 lakh people. Aapka strategy number one will never be complete. So this will, you have to be, please understand. First day se jab aap apna business chalu karte ho, jab tak aapka business chalega, ho sakta hai. पूरा वन जनरेशन टू जनरेशन थ्री जनरेशन फोर जनरेशन तब तक ये काम हमेशा होता रहता है. मैं अभी आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ एंड देन सेकेंड पार्ट में हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो भी बताऊंगा. डोंट वरी ठीक है सिर्फ अपनी कहानी नहीं बतानी है कैसे प्रैक्टिकली करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ. सो बेसिकली ये जो स्टेप नंबर वन है ये दो तरीके से फुलफिल होता है. पहला ऑर्गेनिकली बट मेरा हमेशा ऐसा मानना है कि मेरे जो फ्रेंड हैं मेरी जो फैमिली है मुझे उनको कस्टमर नहीं बनाना है. मेरा दे आर नॉट माई कस्टमर एक्चुअली. अगर मुझे उनको कस्टमर बनाना है तो मुझे फिर फेसबुक पेज बनाने की जरूरत नहीं है बॉस. मैं तो उनको डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि भाई अच्छा जो से खरीद ले मैंने डिस्काउंट अभी बता दें हमें राइट. उसके लिए ब्रांड पेज बनाना प्रोडक्ट बनाना ये करना उतना कोई जरूरत नहीं आएगी. ओके सो दिस इज द सेकेंड ऑप्शन विच फेसबुक प्रोवाइड इज द पेज प्रमोशन बेसिकली हाउ टू इंक्रीज योर पेज फॉलोवर्स लाइक्स. व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉलोवर्स इट मीन्स पेज के लाइक्स. ठीक है पेज के लाइक्स वगैरह वो कैसे करते हैं वो हम अभी आपको बताएंगे. कुछ लोग बोलते हैं ना 5,000 में लाख फॉलोवर ले लो 2,00,000 ले लो. वो फॉलोवर की बात मैं नहीं कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉलोवर्स. लेट्स एन एग्जांपल यू आर टॉकिंग अबाउट द माय बिजनेस बाय हु आर योर कस्टमर्स. सो आई एम हैविंग अ 3 कस्टमर्स कैटेगरी वाइज. फर्स्ट एंटरप्रेन्योर्स बिकॉज आई एम हैविंग अ 2 डेज प्रोग्राम फॉर देम व्हाट एक्चुअली आई एम डूइंग इन मेनी सिटीज इन अहमदाबाद सूरत राजकोट वडोदरा पुणे मुंबई. ठीक है सो आई एम ट्रेनिंग देम 2 दिन का हमारा पूरा. ये तो बहुत छोटी चीज़ हम अभी कर रहे हैं बाकी हमारा बहुत बड़ा एक प्रोग्राम चलता है 2 दिन का. एंटरप्रेन्योरशिप में से पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट्स अलाउ नहीं होते हैं. ठीक है द सेकंड वन आई एम हैविंग फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल्स पीपल अदर थिंग. सो एंटरप्रेन्योर्स हो गया मेरा पहला कस्टमर. देन सेकंड कस्टमर कौन है मेरा वर्किंग प्रोफेशनल. एंड द थर्ड वन इज द स्टूडेंट्स दोज़ वांट टू मेक देयर करियर. सो ये 3 कैटेगरी है. आई कैन डिफाइन माई कैटेगरी आई कैन डिफाइन माई एवरीथिंग. कौन मेरे कस्टमर हैं सोशल मीडिया का मैं आपको थोड़ा एक बेसिक बैकग्राउंड एक छोटा सा बता दूं. यू कैन डिफाइन एवरीथिंग बट यू कैन डिफाइन एवरीथिंग इन सेंस व्हाट सेंस लाइक यू कैन डिफाइन द एज यू कैन डिफाइन द जेंडर यू कैन डिफाइन देयर इंटरेस्ट. आई विल शो यू सम ऑफ द थिंग्स. अभी आपको लाइव दिखाऊंगा यू वॉन्ट बिलीव. आपको आपके बारे में नहीं पता इतना फेसबुक को आपके बारे में पता गारंटेड. मैं आपको दिखाऊंगा अभी ठीक है डोंट वरी. आपको आपके बारे में नहीं पता सूच है फेसबुक में. आप फेसबुक को पता है कि आप कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हैं कितनी देर इंटरनेट वापर रहे हैं इंटरनेट में क्या कर रहे हैं भले आप हिस्ट्री डिलीट करो दैट डज नॉट मैटर. इट मैटर टू यू एंड योर फैमिली मेंबर्स. अरे हिस्ट्री डिलीट चले ले पर फेसबुक हैव दैट. ये ऑफिशियल नहीं है बट लेट मी टेल यू वट एवर यू चैट ऑन द व्हाट्सएप दैट इज ऑल्सो ट्रैक्ड. इसका मतलब ये नहीं हम फेसबुक को अनइंस्टॉल करते हैं दैट इज ट्रैक्ड इनटू द अदर सेंस. ठीक है अदर सेंस ज्यादा उसके ऊपर डिफाइन नहीं करूंगा मैं. ठीक है बट बेसिक चीज में बताऊंगा जब हम चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा. ओके डन मेक फॉलोवर्स देयर शुड बी द फॉलोवर्स हु कैन बिकम योर कस्टमर्स.
स्टेप नंबर टू, मेक देम एंगेज. नाउ दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक थिंग बेसिकली जो हम लोग लाइफ में हमेशा अवॉइड करते हैं. ओके गाइस, कैन एनीवन गिव मी द थ्री ब्रांड नेम, ब्रांड नेम जिन्होंने आपने प्रीवियसली जिन पेजेस को लाइक किया हो, तीन नाम बताइए मुझे ऐसे सिक्वेंसली, और सिक्वेंस नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा. सो आपको ऐसे अपना ब्रांड पेज छोड़ के और अपने फैमिली का ब्रांड पेज छोड़कर ऐसे सबने लाइक तो 300% कर रखे होंगे. अगर कोई बोल रहा है तो मैं भी आपको प्रोफाइल ओपन करके आपकी दिखा देता हूँ कि ये आपने लाइक किया हुआ है ब्रांड पेज. ठीक है, सो वो वाला आर्ग्यूमेंट मत करना, ना ना मैंने तो किया ही नहीं अभी तक. ठीक है, सो ऐसे तीन ब्रांड नेम आप मुझे बताइए जो आपने लास्ट में लाइक किए हैं. वेरी डिफिकल्ट. तो एक दो आप ट्राई कर रहे हो, और वैसे भी आपको पता है सर को कहाँ पता है मैं कुछ भी बोलूंगा दोस्त. हाँ, एप्पल कब किया था? लास्ट की थी ना, आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट थ्री. अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है, ये आपकी गलती नहीं है. अगर आप मेरे को भी पूछोगे तो मेरे साथ भी ऐसा इशू है. इसके एक एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ इससे रिलेटेड. हाँ सर, कुछ बोल रहे हैं आप? आपको लोन लेना होगा या फिर आपको अकाउंट खुलाना होगा तो बात अलग है. पर्सनलाइज मार्केटिंग, दैट इज अ डिफरेंट थिंग बेसिकली. ओके, सो एक एग्जांपल दे रहा हूँ. टीवी देखा था कल आप लोगों ने? क्या देखा था? कोई भी एक जना क्या देखा था? बिग बॉस. मैंने भी देखा था. ठीक है, डोंट वरी. ओके, एनीवेज, कौन सा एडवर्टाइजमेंट था फिज के अलावा, फिज के अलावा और सीपी प्लस के अलावा दूसरा कोई एडवर्टाइजमेंट बताओ? नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट, प्रॉपरली एडवर्टाइजमेंट जैसे बोलते हैं. आया था? नहीं, वो नहीं वूट. अरे यार, वूट की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द टीवी देखा था. अब तू ये वापस से डिजिटली आ गया. कोई एनीवन एल्स? देखो, आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहे हो कि सेंट्रो का एड्स आया होगा, ट्रिवागो, दिवाली आ रहा तो हो सकता है. हालांकि देखो, सी इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉल, लेट मी टेल यू genuinely it is very difficult to recall. same agar is question ko main thoda is tarike se repeat kar du ki what is the sequence of the advertisement to koi bhi nahi bata paega. aur advertisement kaun sa tha wo bhi hardly do char log mere ko to pata tha mujhe ye question puchna hai, fir bhi mujhe yaad nahi hai actually. be very frank with you people. now this is the mentality of human mind. aur kyunki hame us time pe nahi khareedi thi control, nahi khareedi thi to mujhe yaad nahi hai. now come to the again that point, kya aapko last teen brand page yaad hain? nahi. जब हमें कोई ब्रांड पेज याद नहीं है किसी के, तो हमारे ब्रांड पेज को कौन याद रखेगा? आपने कौन से भाई? जब आपको किसी का याद नहीं है तो आपका कैसे याद रखेगा कोई? प्लीज अंडरस्टैंड दैट. गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? किसी को याद नहीं है तो हमारा पेज में ऐसा क्या आ गया है? सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पैसा दे रहे हैं तो बात अलग है. पेज पे से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच ऑल द ब्रांड्स बिकॉज दिस इज द इशू विद द पॉइंट नंबर टू, मेक देम एंगेज. वी डू नॉट फॉलो दिस स्टेप एंड द रिजल्ट वी आर नॉट एबल टू सेल. आई विल टेल यू सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स. आई विल ट्राई टू गेट इट टू किस तरीके से पॉइंट को अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो फेल होते हैं. ओके, बेसिकली होता क्या है, सो इसका हम लोग लाइव एग्जांपल समझने का ट्राई करते हैं. सो लेट्स एन एग्जांपल, आई एम रनिंग अहमदाबाद स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. ठीक है, एंड सपोज आपको या फिर आप मेरे पेज को फॉलो कर रहे हो. एक दो सिचुएशन लेंगे हाइपोथेटिकल. ठीक है, आप मेरे पेज को फॉलो कर रहे हो. ठीक है, सो क्या हुआ कि आपको या आपके किसी कलीग को या फैमिली पर्सन को डिजिटल मार्केटिंग करना है. सपोज आप मेरे से इंगेज थे. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंगेजमेंट? लाइक, कमेंट एंड शेयर. एक क्वेश्चन और लास्ट, सॉरी मैं थोड़ा बिकॉज को मुझे ज्यादा डिफाइन करना रहता है इस चीज को. सो हाउ मेनी फेसबुक फ्रेंड्स यू आर हैविंग? लाइक नंबर 1500. ओके सर, हाउ मेनी? 2500 सर. यस मैम. यस सर. शू से ना पा रहे थे पहले फेसबुक पर नदी तो भाई तू आ सेशन में मतलब है ना दी बोल. एनीवेज, यस सर, 400. यस मैम,
250. Anyways, yes ma'am. Yes ma'am. Yes sir. Yes sir. So एक average निकालें, 500 मान के चलते हैं, 500 मान के चलते हैं, एक average. Now please understand, this is a good concept basically. So 500 अगर हम लेके चलते हैं, so 500 friends we are having. अब आप समझो, जब आप लॉगिन होते हो, एक प्रॉपर तरीके से अगर हम बात करने की ट्राई कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हम लॉगिन हुए एंड हम उसको स्क्रॉल कर रहे हैं टू सीइंग द पोस्ट. हम कभी एडवर्टाइजमेंट देखने नहीं आए, हम नॉर्मली स्क्रॉल कर रहे हैं. एक एवरेज टाइम है, मैं ज्यादा उसको आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा तो टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा. एक नॉर्मल एवरेज टाइम ऐसा माना गया है स्टैटिकली कि एक नॉर्मल पर्सन 2 से 3 मिनट अच्छे से स्क्रॉल करता है, 2 से 3 मिनट. एंड दिन में ये प्रोसेस 3 से 5 बार होती है. हाँ, आप चले गए, वीडियो देख रहे हो, वीडियो के बाद दूसरा वीडियो देख रहे हो, फिर तीसरा वीडियो देख रहे हो, वो हम लोग डेटा में कंसिडर नहीं करते. वहाँ पे वीडियो चल रहा है, हम प्रॉपरली कर रहे हैं कि क्या स्टैटिक्स चल रहा है. सो वो जो 2 से 3 मिनट का होता है, तो वहां से अगर मेरे 500 फ्रेंड है, तो 500 फ्रेंड का एक साथ स्टैटिक नहीं दिखा देगा वो. सो देयर विल बी अ सीक्वेंस, फ्रेंड नंबर 1, फ्रेंड नंबर 2, 3, 4, 5, 6 एंड एक कोई फ्रेंड रहेगा जो 499 एंड देन 50 वाले रैंक पर. सीधी सी बात है, ऐसे ही रहेगा ना. मेरे 500 फ्रेंड है तो सीक्वेंस ऐसे ही रहना चाहिए. नाउ टेल मी हु विल डिसाइड कि पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, और तीसरे नंबर पे कौन आएगा, और ये नंबरों पे किसका स्टैटिक दिखाया जाएगा, पोस्ट दिखाया जाएगा. हु विल डिसाइड? हम तो करते नहीं. फेसबुक में डिसाइड ऑन योर हिस्ट्री. ऑन व्हाट हिस्ट्री? इंटरेक्शन. राइट, सो डायरेक्टली हम जाते हैं ऑन द एंगेजमेंट पार्ट. अगर आप देखेंगे जिसने रिसेंटली एंगेजमेंट आपका रहा है, एंगेजमेंट मतलब अगेन लाइक किया है, कमेंट किया है, शेयर किया है, उनकी पोस्ट हमेशा ऊपर. दिस इज अ फेसबुक एल्गोरिथम गाइस, ठीक है, जो इसको काम करती है. फेसबुक एल्गोरिथम फर्स्ट पे, सेकंड पे. मेरा अगर आप देखोगे तो आई कैन टेल यू राइट नाउ, वन ऑफ माय फ्रेंड इज जितेन शाह करके है, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन चलता है. वी आर हैविंग अ पॉलिटिकल इशूज डिफरेंसेज यू कैन कंसिडर, ठीक है. तो वो कुछ भी पोस्ट करता है तो मैं कमेंट करता हूँ, मैं कुछ भी पोस्ट करता हूँ तो वो कमेंट करता है. सो कहीं ना कहीं ये इंटरेक्शन चलता रहता है हमारा. सो वो जो इंटरेक्शन है बेसिकली, तो इस तरीके से फिक्स है. मेरा पोस्ट उसके पास जाएगा, उसका पोस्ट मेरे पास जाएगा. डन है? प्लीज अंडरस्टैंड नाउ, सेम हैपन विद अवर ब्रांड पेज. होता क्या है, हमने स्टेप नंबर 1 प्रॉपरली स्टार्ट कर दिया, लेकिन हमने कोई भी हमारे फॉलोवर जो हमारे रिसेंटली बने हैं, हमने उनके साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं किया है. वी हैव नॉट कीप एनी इंटरेक्शन. व्हाट हैपेंस, हमारा पेज का जो रैंक है उनके प्रोफाइल में, वो एकदम डाउनग्रेड होता जाएगा. एक टाइम ऐसा होगा कि जो वो 2-3 मिनट का स्क्रॉल कर रहे हैं, हमारी पोस्ट वहां तक पहुंचेगी नहीं. एंड हम जो चाहते हैं कि उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम क्या करा रहे हैं, हम तो बेस्ट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वी आर सेलिंग द बेस्ट प्रोडक्ट्स, स्टिल हमारे जो फॉलोअर्स हैं उन तक हमारी चीजें पहुंच ही नहीं रही. चाहे तो हो सकता है कि वो उस टाइम पे उसको मेरा प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत हो, फिर भी नहीं पहुंच रही. दैट कंसेप्ट इज नोन एज द डेड फॉलोअर्स. डेड फॉलोअर्स उसके ऊपर ना डर पूरे सीक्वेंस. हाँ, नहीं, इवन जेन्युइन भी अगर आप अपने पेज को एंगेज नहीं कर रहे हैं, तो दे विल डेफिनेटली बिकम द डेड फॉलोअर. मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आई बैट यू उसमें से आप 50% के नाम बता दो मेरे को. मेरी फ्री वर्कशॉप आती है, सॉरी पेड वर्कशॉप आती है, आई विल गिव द फ्री एंट्री. Give me the 50% name. You cannot give boss challenge. Try कर लो. मैं तो इधर ही मिलूंगा आपको मंडे को. वो बात अलग है, फिर आप 2 दिन बाद लिख के लाओगे पूरे के पूरे, ठीक है. So I'm just giving an example. Please try to. This is psychological selling. Social media is completely a psychological selling. ये चीजें हम ignore करते हैं because हमें फर्क नहीं पता है कि ऐसा करने से क्या होता है. And that is the reason you are struggling onto the social media side. आपने आपके टारगेटेड कस्टमर को आपका फॉलोअर बनाया है. नाउ सिर्फ फॉलोअर बनाना डज नॉट मीन दैट वो सेल हो जाएगा.
आपको कुछ ना कुछ इंगेज रखना पड़ेगा. सो लेट्स एन एग्जांपल, सो एक एग्जांपल देता हूँ. वन ऑफ माय क्लाइंट पेज साहिल अल्टीमेट इन ज्वेलरी, साहिल अल्टीमेट इन ज्वेलरी करके है. मैं आपको तीन पेजेस का एग्जांपल देना चाहता हूँ, बट बिकॉज ये लाइव जा रहा है तो थोड़ा इशू है. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं बोलूँगा नहीं, आप लोग अपने हिसाब से पेजेस देख लेना, ठीक है? लेकिन क्या है कि मेरी कोई कंप्लेंट कर देगा. अरे मार्केटिंग थोड़ा बता रहा हूँ उनके कंसेप्ट, तो मेरी मार्केटिंग कर देंगे, ठीक है? सो ये पेज है, आप लोग कहीं लिख लीजिए, फिर मैं आगे का मिटा देता हूँ, ये रफ कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है, नाम पढ़ लिया, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है? आई एम वेरी मच सॉरी बिकॉज वी हैव टू, बिकॉज वी आर द ब्रांड, सो वी हैव टू कीप दीज थिंग्स बेसिकली. नाउ जब आप ये पेज विजिट करेंगे, दिस इज अ एक किसी का पेज है, ये पेज हाँ, प्रोफाइल नहीं, पर्सनल प्रोफाइल नहीं, पेज. सो आई विल शो यू हियर, आई विल शो यू हियर, ठीक है, चलो मैं दिखाते हैं जो बात है. सो लेट मी शो यू हियर, मैं आपको बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जो डेफिनेटली आपका एक एक पूरा सेलिंग का कंसेप्ट चेंज कर देगा, ठीक है? ओके, सो ऐसे जाते हैं, देन पेज पे वी हैव टू गो टू द पेज. कितने लाइक्स दिख रहे हैं आपको? अब मैं इनकी लास्ट पांच पोस्ट आपको दिखा रहा हूं, ठीक है? पांच पोस्ट, सितंबर 4, 2017 कितना है? 11 अप्रैल 2016 कितना है? March 17, 2016 कितना है? ठीक है, what it mean? Step number one, perform properly. Step number two, ignore. Step number two, ignore. Now what happened? When they are having something to sell, something to promote, 39,000 followers, still they are not able to reach जो उनका followers है. So that is the reason, 1, 2, 3, 5, 7 likes आ रहे हैं. So 5-7 likes में से 2-3 तो उसकी खुद की team के होंगे, जिसने post किया होगा. वो खुद तो post करते नहीं हैं, तो कोई ना कोई ने post किया होगा. जो आदमी post कर रहा है वो courtesy में like तो करेगा ही करेगा, उसके आजू बाजू में जो बैठा होगा वगैरह like कर ही दे, राइट? नाउ दिस इज व्हाट हैपन विद योर ब्रांड पेज एक्चुअली, जब आप स्टेप नंबर वन परफॉर्म करते हो, स्टेप नंबर टू परफॉर्म करते नहीं करते. स्टेप नंबर टू तो परफॉर्म कर ही नहीं सकते अगर आपने वन नहीं किया है, तो मतलब ही नहीं करने का. पर वन कर दिया है एंड देन टू इग्नोर कर रहे हैं, तो आपके सारे एफर्ट जो वन को करने में आए थे वो पूरे के पूरे खराब हो जाएंगे. दैट कंसेप्ट इज नोन एज द डैड फॉलोअर, प्लीज अंडरस्टैंड दैट. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मैं एक दूसरा पेज आपको दिखाता हूँ. And I will try to cover these three points basically, किस तरीके से हमने implement किए थे. So आप comment भी अगर आप देखेंगे इनके, 32 likes and then comments. मैं थोड़ा सरद की profile को, मैं मेरी profile open करूँगा. So I am the admin of that page, ठीक है? So just see the comments part. What is that? Price please. देखेंगे अगर इस पेज को, इसकी कुछ पांच पोस्ट देखेंगे, आपको तो आइडिया आएगा बेसिकली, ठीक है, कि हर पोस्ट के नीचे पीपल आर आस्किंग अबाउट द प्राइस. आप घर पे जाके शांति से देखना, आपको आइडिया आएगा. स्क्रॉल नहीं हो रहा है, सो 6 कमेंट, 22 शेयर्स, 1.9K. प्राइस प्लीज, प्राइस प्लीज, आप चेक कर सकते हैं. 2K views, ठीक है? So this is how basically they are capturing the leads. Sorry? ये depend करता है आप कितना open रखना चाहते हैं. Basically they, what his objective is to capture the mobile number.
डेटाबेस कलेक्ट करना, मैं इसका पूरा केस स्टडी है मेरे पास, मैं अभी आपके साथ वही शेयर कर रहा हूँ बेसिकली. सो द पर्सन नेम इज साहिल. साहिल वाज लाइक ही केम टू मी अराउंड बिफोर 2 years, 2 साल मेरे हिसाब से हो चुका है आराम से. ही टुक जस्ट अ स्मॉल सोशल मीडिया ट्रेनिंग. ही वाज टू स्टार्ट देयर हिज बिजनेस. दिस इज नोन एज द आई गेस इमिटेशन ज्वेलरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? ओके. सो वो इमिटेशन ज्वेलरी को सेल करना चाहते थे एंड वी हैव स्टार्टेड. हमने बोला ओके सोशल मीडिया पे जाते हैं. सो फेसबुक एंड इंस्टा वी हैव टारगेटेड टू प्लेटफॉर्म बेसिकली. एंड हमने उसको थोड़ा दो तरीके से वो किया, डिफ्रेंशिएट किया कि भाई हमारे कस्टमर कौन है. तो 100% वुमेन है द कस्टमर्स, राइट? 100% वुमेन इज द कस्टमर. ओके. नाउ हमने उनको फिर अगेन दो तरीके से कैटेगराइज किया. फर्स्ट इज द वर्किंग वुमेन एंड सेकेंड वन इज द टू हैंडल द हाउस. बट हमें पता था कि दोनों लोग बाय करते हैं, बोथ कैटेगरीज 100% बाय करते हैं, ठीक है? तो हमें दोनों में से कोई भी इग्नोर नहीं करना था. लेकिन हमें जो चीज़ें ध्यान रखनी थी वो रखनी थी कि हम किस तरीके से उनको एंगेज कर रहे हैं. तो हमारा मेक फॉलोवर वाला स्टेप हमने फर्स्ट डे से स्टार्ट कर दिया था कि भाई चलो मेक फॉलोवर वाला स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? हमने मेक फॉलोवर स्टार्ट किया एंड देन वी हैव कैटेगराइज 3 days. डे को हमने 3 जगह पे कैटेगराइज किया था इनटू द 3 पार्ट. सो मॉर्निंग जब लोग सो के उठते हैं, ठीक है, फर्स्ट इज द मॉर्निंग, देन आफ्टरनून and then evening. मैं नहीं नॉर्मल ये आई एम टॉकिंग अबाउट दी एंगेजमेंट. सो एंगेजमेंट आप कब करोगे जब आपका फॉलोवर बढ़ रहा है, ठीक है? सो ये ऑर्गेनिक वाली की बात कर रहा हूँ मैं. तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमें पता था कि मॉर्निंग इज वन ऑफ द टफेस्ट टाइम टू एनीवन. काम पे जाना है, ये करना है, लेकिन नींद आ रही है. सेम है आई गेस सबके साथ आज भी हुआ होगा ऐसा, ठीक है? मेरे साथ तो हुआ था. 1-2 बजे तक हमारा कुछ चल रहा था एंड देन सुबह मुझे वर्कशॉप लेना आना था तो 8 बजे तक मुझे रेडी होना था इस तरीके से. सो दिस इज द इशू. नाउ वी आर अवेयर अबाउट दिस थिंग्स कि नाउ पीपल आर एडिक्टेड टू द सोशल मीडिया. सो फोन चेक करते ही हैं ज़्यादातर लोग, इंक्लूडिंग मी. रात को 10 बजे के बाद फ़ोन बंद, लेकिन सुबह उठते सबसे पहले फ़ोन चाहिए कि भाई क्या चल रहा है. वट वी ट्राई टू डू, हमने यहाँ पे एक मोटिवेशनल कोट डालने का स्टार्ट किया. हमने एक इमेज बनाया, इमेज पे अच्छा सा एक मोटिवेशनल एंड यहाँ पे छोटे छोटे प्रोडक्ट का डिटेल, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं, हम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नहीं बोल रहे आप हमारे प्रोडक्ट सेल करो. सुबह क्या चाहिए, मुझे मोटिवेशन चाहिए उठने के लिए, ठीक है? एंड मुझे पता था मेरे कस्टमर कौन है तो उनको किस तरीके से उनके ये मोटिवेशनल मैसेजेस क्या होते हैं वो आपको थोड़ा उस पर R&D करना पड़ेगा उसके. और हमने छोटे से प्रोडक्ट क्यों रखे हैं, सो दैट पीपल कैन रिकॉल कि भाई ये पेज से मुझे इस तरीके के मोटिवेशनल मैसेज सुबह सुबह मिला है, ठीक है? सो हमने उस तरीके से 1-2 पोस्ट डाला मॉर्निंग में 5:30 से 6 बजे के बीच में आसपास. हमने वो शेड्यूल कर सकते हैं, आप पोस्ट चाहें तो शेड्यूल कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाता है, ठीक है? आपको सुबह उठने की जरूरत नहीं है उसके लिए, नहीं तो आपके लिए भी अगेन मोटिवेशनल एक मैसेज चाहिए तो वो कौन डालेगा, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, वो शेड्यूल वाला ऑप्शन आता है, पूरा वीक को आप शेड्यूल कर सकते हो. वैसे भी डिजाइनर डेवलपर आई एम वेरी मच सॉरी, पर वो लोग तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, नॉर्मल टाइम में नहीं उठाते, तो सुबह की तो बात भूल जाओ. आई एम सॉरी जो भी डिज़ाइनर है, ठीक है? बट दिस इज अ फैक्ट, यू हैव टू बिलीव दैट. ये बैठे डेवलपर पूछो इनको, ये उठाता है, बस एक यही है जो मेरा उठाता है. ओके, सो दिस इज अ मोटिवेशन. नाउ यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से लाइक आ रहा है, कमेंट आ रहा है, लोगों को अच्छा लगेगा. वो अभी प्रोडक्ट वाइज दिमाग में नहीं सोच रहे, उनको मैसेज अच्छा लग रहा है. सो वट दे कैन डू, दे कैन लाइक सम कमेंट और शेयर कर रहे हैं कुछ, सेव वेव करके कुछ, किसी को भेज रहे होंगे कुछ भी करके, किसी को टैग कर रहे हैं, तो ये चल रहा है. तो उससे बेनिफिट मुझे क्या हो रहा है, जो मेरी दूसरी पोस्ट रहेगी ना उसके लिए मेरा एंगेजमेंट बढ़ रहा है, यानी कि मेरी दूसरी पोस्ट डेफिनेटली उन लोगों तक जाएगी. ये फेसबुक की एल्गोरिदम है, अगर आप कोई चीज़ को लाइक करते हैं इस तरीके से करते हैं तो नेक्स्ट 2-3 दिन तक आपकी पोस्ट या आपकी जो भी मैसेज रहेंगे आपके कस्टमर तक पहुँचेंगे. सबके लिए सेम, ये कंसेप्ट सेम है, ये सिर्फ मैं अभी एक उसको ले रहा हूँ, मैं इंगेजमेंट वाला और ये सारी चीज़ें, ठीक है? बाकी आप ऐसा मत करना कि सुबह सुबह उसके वोमेन टारगेट करके वो मैसेजेस फॉर कर रहे हैं अगर आपका प्रोडक्ट तो दूसरा है तो, ठीक है? ओके, नाउ द आफ्टरनून हमने फाइंड किया कि 12 बजे के बाद नॉर्मल में क्या होता है कि कंपनीज के अंदर 12 बजे के बाद लंच टाइम, 1 बजे के आसपास लंच टाइम होता है एंड देन नॉर्मल घर के अंदर भी मुझे लग रहा है 12-1 बजे के आसपास लोग थोड़ा थोड़ा फ्री होते हैं, हस्बैंड वाइफ सॉरी बच्चे जब स्कूल वगैरह चले जाते हैं तो नॉर्मल में होता है. तो हमने क्या किया, 12 बजे से 1 बजे के बीच में मल्टीपल प्रोडक्ट्स को अपलोड करना स्टार्ट किया. हम अभी भी नहीं बोल रहे कि आप हमारे प्रोडक्ट्स बाय करो, हम तो क्या कर रहे हैं सिर्फ हमारे प्रोडक्ट को वहाँ पे रख रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट रख रहे हैं विद द सम ऑफ द बेसिक डिस्क्रिप्शन. प्लीज अंडरस्टैंड इमेज क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना,
ठीक है. तो इट डेफिनेटली जो बेसिक स्टैंडर्ड है वो तो हम लोग स्टैंडर्ड रख ही रहे हैं. इमेज किस तरीके से मैसेज रखना है, क्या रखना है, वो तो हमें पता ही है. ठीक है, वो ट्रेनिंग के बाद हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं. तो लोगों के पास पहुँच रहा है उस टाइम पे, वो वहाँ पे सेल नहीं हो रहा है, मेरा कोई भी प्रोडक्ट उस टाइम पे सेल नहीं हो रहा. ठीक है. नाउ इवनिंग, दिस इज द जहाँ पे हमारा एक्चुअल वर्क होता है. सोशल मीडिया पे मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी बिजनेस के लिए हो, जो आपको रिजल्ट मिलने लगेगा वो शाम को 7 बजे के बाद मिलेगा एंड सुबह 3 बजे तक मिलेगा. कोई भी लीड जनरेशन होगा ना, कोई भी लीड जनरेशन शाम को 7 बजे के बाद और सुबह 3 बजे तक. कल आपने क्या था मुझे थोड़ा रिजल्ट बताएंगे आप? 18 लीड्स शाम को, पूरे दिन में चलाया था तो शाम को मुझे 3 मिला, रात सुबह में उठा. ही वांट टू सेल समथिंग इन वडोदरा, द प्रोडक्ट कॉस्ट इज 5,000 rupees, 2 days. ठीक है, ही इज वन ऑफ माय स्टूडेंट बेसिकली. एंड कल हमारे पास आए थे, सर मुझे कुछ सेल करना है, मुझे एक प्रमोशन चला के दीजिए. बोला ओके फाइन. सो सुबह भेजा था इन्होंने मेरे को, शाम को मैसेज भी किया था कि सर सिर्फ 3 ही लीड आई है. मैं बोला ओके जैसा है सर, रहने दे, छेड़ मत देना बस उसको, रात को लीड आएगी बहुत सारी. नाउ 17 लीड. ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, लीड्स धंधा आपको रात को मिलेगा. ठीक है, ओके. हमने क्या किया इवनिंग में, जो भी हमारे प्रोडक्ट थे हमें लगा कि ज़्यादा हमारे पास अच्छे हैं, स्टॉक में हैं, उनको विद डिस्काउंटेड प्राइस हमने दिया, वहां पे पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया उनको विद डिस्काउंटेड प्राइस पोस्ट करना स्टार्ट. अब मैं ऐसा नहीं कर रहा कि भाई मेरे पास 10,000 फॉलोवर है तो वो रात को सारे के सारे 10,000 एक साथ ही बाय कर लेंगे. देयर आर सम क्राउड जो अभी इंटरेस्टेड है, हो सकता है मेरे फ्यूचर कस्टमर हो, उनके लिए क्या. सेम इवनिंग में क्या होता है, हम लोग बहुत स्ट्रेस में होते हैं, थके हुए होते हैं, तो हमें कुछ फनी चीजें चाहिए टू गेट द स्ट्रेट आउट. तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ फनी चीजें डालनी स्टार्ट की साथ थोड़े थोड़े टाइम के ड्यूरेशन के बीच में, जिनको मेरे प्रोडक्ट सर्विसेज अभी बाय नहीं करने हैं उनके लिए हमने दूसरे तरीके से एंगेजमेंट का काम चालू किया. सो आई रिमेंबर वन पोस्ट ओनली अभी तो, क्योंकि बहुत साल हो गए तो मुझे ज़्यादा याद नहीं, बट एक पोस्ट थी जो मुझे बहुत फनी लगी थी बिकॉज मैं उसको अपने साथ रिलेट कर रहा था, तो इस वजह से समथिंग था. सो समथिंग वाज देयर इज अ हस्बैंड एंड वाइफ एंड उनका कुछ आर्ग्यूमेंट चल रहा था ड्राइविंग के ऊपर कि हु आर द बेटर ड्राइवर. सो आर्ग्यूमेंट के अंदर दे डिसाइडेड कि काम करते हैं कि लेट अवर डॉग, उनका डॉग था, लेट हिम डिसाइड कि हु इज द बेटर ड्राइवर. तो बोला ओके फाइन. सो पहले हस्बैंड ड्राइव कर रहा था एंड वो डॉग को बाजू में बैठा था, डॉग वाज वेरी काम एंड नॉर्मल ऐसे करके आराम से बैठा हुआ था सीट पे, बाजू वाली सीट पे. ठीक है, एंड देन सेकेंड पिक्चर में था उसकी वाइफ ड्राइव कर रही थी एंड दैट डॉग वाज लाइक कान खड़े हुए थे और ऐसे करके देख रहा था. दिस इज जस्ट अ फनी कोट, आई एम नॉट टेकिंग इट सीरियस, आई एम टेकिंग दिस इन माई केस बेसिकली. सो दिस इज जस्ट अ जनरलाइज जोक बेसिकली. सो ये एक तरीका हम लोगों ने इस तरीके से पोस्ट करे, कभी इस तरीके से, कभी अलग तरीके से, इस तरीके से हमने पोस्ट करने. सोशल मीडिया इज अ प्लेटफॉर्म वेयर देयर इज अ नो नीड टू पुट योर प्रोडक्ट एवरी टाइम. जरूरी नहीं है आप सेल 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 करो. आपने देखेंगे बहुत सारे पेजेस व्हाट दे आर डूइंग, टैग करो अपने फ्रेंड को जिसका बर्थडे अक्टूबर में है, जो आज आपको पिज्जा खिलाएगा, जो आपको गाना सुनाएगा, ये करेगा वो क्या है सब चीज़ें. व्हाट डू यू थिंक दे वांट टू एंटरटेन यू पीपल? नो वेज, नॉट एट ऑल. They want to earn the money and they are earning money actually. They are putting Alia Bhatt versus CID, EA versus Vovo versus backbenchers. These people are very smart people. They are putting this post. We as a normal public kya karte hain? Oh, aaj mujhe pizza kaun khilayega to main 10 jano ko tag kar dunga. Ab wo bhale usne unhone like kiya ho page ko nahi kiya ho, lekin wo dekhenge okay tag kiya, wo 10 ko tag karenge. To mere page ka reach to apne aap badh raha hai, reach badh raha hai, reach badhne ke sath sath engagement bhi badh raha hai. And likes भी आ रही हैं. The very next day, they make a static report, they sell to the corporates, they tell boss, आटलू छे, marketing करवानी है तुम्हारे, आटला पैसा आप ही दो मुझे दीजिए. आप लोगों ने observe किया नहीं, because this is my line, so we observe. After that, you will find many political messages will be there, many political messages. So these all political messages are the paid. Admin क्या है? वो किसको सपोर्ट करता है उसको कोई लेना देना नहीं है, उसको जहाँ से पैसा मिलेगा उस तरीके का पॉलिटिकल मैसेज वहाँ पे स्प्रेड करता है, इवन द ब्रांड प्रोडक्ट और सर्विसेज को भी वहाँ पे सेल करता है. गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज हाउ दे इंगेज द पीपल. आप स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 प्रॉपरली करते हैं तो स्टेप नंबर 3 ऑटोमेटिकली ही प्रोसेस है, उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. मुझे पता है कि ये भाई ये सेल कर रहा है, आज जिस दिन मुझे जरूरत होगा मैं सबसे पहले इसको कॉल करूंगा. We have seen this
आज के टाइम में सपोज हम साहिल की बात कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक फेस पे है, इज हैविंग हिज ओन शोरूम राइट नाउ इन सीजी रोड, कुछ ऑफिस कौन रखा है मुंबई में है उसका, जस्ट सोशल मीडिया के थ्रू उसने ये सारी चीज़ें की हैं। ऐसे मेरे पास हजार जितने एग्जांपल्स हैं, देयर इज नो नीड टू टेल यू राइट नाउ बेसिकली, बट आई एम टेलिंग यू किस तरीके से लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, जस्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस बेसिक थिंग्स उन्होंने अपने बिजनेस को किया है। आप एक ब्लॉगर हैं, न्यूज़ वेबसाइट है, सर्विसेज सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनर हैं, कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये चीजें कीजिए। जिस दिन मुझे जरूरत होगा एज ए कस्टमर आई विल डेफिनेटली कॉल यू। आप ग्राफिक डिजाइनर हैं तो जरूरी नहीं है मैं आप, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनर इसलिए मैं आपसे इमेज बनवाऊँ डेली बेसिस पर, नहीं नहीं वो ग्राफिक डिजाइनर है तो चलो मैं उसको काम देता हूँ, ऐसा नहीं होता है ना, हमें राइट। जिस दिन मुझे जरूरत होगा उस दिन, लेकिन जरूरत होगा तब आपका नाम मेरे पास आना चाहिए, मेरे दिमाग में उस दिन मेरे दिमाग में आपका नाम आना चाहिए। तो वो चीज के लिए ये हमें प्रोसेस करनी पड़ती है। It required lots of efforts, guys. It required lots of investment kind of thing basically. क्योंकि आपका एक बंदा चाहिए, investment definitely monetary तो चाहिए चाहिए, साथ में आपका time भी चाहिए इसके अंदर। ये सारी चीजें इसके अंदर जो चाहिए वो चीजें चाहिए। उसमें कोई भी ignore करोगे आप, सॉरी सर आप comfortable रहिए, आप comfortable रहिए सर, आप कुछ भी करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं पे धंधा जो business है वो ignore होगा, जो भी आप ignore कर रहे हैं इसके अंदर। Done है यहाँ तक? अब मैं live इस चीज को implement करवा रहा हूँ। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, एनीवन एनीथिंग? यस मैम प्लीज। मेरा तो सिंपल मानना है, थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी अलग रहती है, बट अगेन बी टू बी बिजनेस में है लेकिन वो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन है, वो कहीं ना कहीं सोशल है, सिंपल। यस वो मैं अब आपको बता रहा हूं कि आपकी फील्ड कैसे सेलेक्ट करनी है, वो बाकी है पूरा पोर्शन, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टूडेज वर्क्स ऑफ बेसिकली। पर ये मुझे इसलिए आपको बताना था बिकॉज इसके बिना आपको एक्चुअल इसके बारे में नहीं पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। यस सर, फॉलोअर्स बढ़ाने के क्या? अब वो प्रैक्टिकली करा रहा है। यस सर, फेसबुक तो हमें डेटा बताया से कि आ टाइम में वधारे लाइक्स आए, आ टाइम ओछी लाइक्स आए, ये आपका पेज ने जे ऑडियंस छे એમના પ્રમાણે છે કે? डेफिनेटली डेफिनेटली તમારું પેજ નું શું સ્ટેટિક છે એ જ કહે છે સ્પેસિફિકલી આપણા आप टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कीजिए। We just need to deliver news, that's it. Sir, definitely. But again, news तो आप सबसे ज़्यादा इंगेज कर रहे हैं लोगों। So what kind of news you are delivering? So let's an example, दो तीन सीरियस डाल रहे हैं, उसमें से एक छोटी छोटी काही बहुत सारी न्यूज़ है। I will tag you one of the कुछ पोस्ट के अंदर। So कुछ fake in India करके चलता है पेज, fake in India, yes, और yes. तो वहाँ सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया उनकी चीज़ें उठा के लिख देते हैं क्लियरली। इस तरीके से हाउ दे आर इंगेजिंग द पीपल, और देर आर लॉट्स ऑफ थिंग हाउ टू इंगेज द थिंग आई कैन नॉट टेल द पब्लिकली एक्चुअली। आप मुझे मिलो, मैं आपको बताता हूँ कैसे इंगेज करते हैं। सो दीज आर द थिंग टू रियली प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, एवरी टाइम यू कैन नॉट हैव अ सीरियस थिंग ऑन द सोशल मीडिया। अगर आप 24 घंटे सीरियस चीजें ही कर रहे हैं तो पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, दे हैव टू बी कैम। आपको हर चीज को आपको अपने पेज पर कवर करना पड़ेगा। अब ये आपका एनालिसिस है, आप किस तरीके से कर सकते हैं, दिस इज अप टू यू। यस सर, इफ योर क्लाइंट इज बिग, इज इट नेसेसरी टू पोस्ट मनी? क्या फर्क पड़ता है सर? आपने बोला आप बड़ी बड़ी कंपनी के यूज कर रहे हो, मतलब हाँ मनी पोस्ट कर कुछ ना, सुनो एक एक फन और एक ह्यूमर बोलते हैं हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में, ह्यूमर। ह्यूमर किसको पसंद नहीं है? हम सेलिंग के लिए ह्यूमर यूज नहीं कर रहे, हम तो उनको एंगेज करना चाहते हैं। मैं तेरे को डेली, तू मेरा पेज फॉलो कर रहा है, मैं तेरे को खाली एक ही बात बोल रहा हूँ, भाई डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन कर ही लेना भाई डिजिटल। या फिर एक तेरा फ्रेंड है, वो तेरे को डेली जब मिलता है एक ही चीज़ बोलता है, पैसा आपने क्या होगा? आप उसको बंद कर दोगे, मिलना बंद कर दोगे एक टाइम के बाद? दिस इज द नेचुरल थिंग्स, ठीक है? सो सेम हैपन्स, दिस इज आवर ब्रांड पेज। लेकिन थोड़ा बहुत आपको थोड़ा ह्यूमर और थोड़ा एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखना पड़ेगा। चीप नहीं डालना है, अच्छी डालनी है। देखो सम ऑफ दी पीपल आर वेरी स्मार्ट, क्या करते हैं 99% पीपल आर फेल टू गिव आंसर,
एंड द स्टूपिड क्वेश्चंस देन अराइज, जो सब आंसर देते हैं एंड द पीपल ओ हो 99 तो नहीं हूं 1% छू वन पत्ता आंसर आप देते हैं. दिस इज द वे दे दे एंगेजिंग, दे आर मेकिंग फूल टू यू, दे आर मेकिंग फूल टू यू एक्चुअली. वो कुछ 99 वाला नहीं था उसमें. बोले क्या बोलेंगे, बोले राम के चार, राम के फादर के चार बेटे थे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, चौथा बेटा राम. बोले जो 1% मार गया. दिस इज नोन एज द सेल्फ एस्टिमेशन, एस्टिमेट जो होता है, एस्टीम बेसिकली. यस यस सर. सर तुम्हारे इधर डेली में कितनी पोस्ट करनी चाहिए? इट्स अप टू यू. आई पर्सनली सजेस्ट डिवाइड द टाइम्स एंड नॉर्मल में 3 से 5 पोस्ट इज गुड पोस्ट, इज नॉट द प्रोडक्ट वाइज, नॉट द प्रोडक्ट वाइज. ठीक है, हम एवी सोशल मीडिया जन जाना जे 2-3 दिन से एक पोस्ट करे छे तो एनो सुरे, दैट इज आल्सो गुड. व्हेन यू आर हैविंग अ वेरी गुड एंगेजमेंट दैट इज आल्सो गुड, बट एट द इनिशियल स्टेज, एट द इनिशियल स्टेज कीप दिन 3 posts, 4 posts, इवन 2 posts इज आल्सो गुड. बट मेरा ऐसा मानना है अगर आप एक्चुअली सिर्फ सोशल मीडिया की तरफ बिजनेस कर रहे हैं तो आपको ये तीनों चीज़ कवर करनी पड़ेगी. आपको ह्यूमर कवर करना पड़ेगा, आपको मोटिवेशन कवर करना पड़ेगा, एंड देन यू ऑल्सो हैव टू कवर द योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. सो इतना इनिशियल स्टेज पे रहेगा. सो यू आर टॉकिंग अबाउट माई बिजनेस, बेसिकली वी आर लाइक 90% or 70% डिपेंडेंट ऑन द सोशल मीडिया मार्केटिंग. हमारे केस में आप, यू आर द विक्टिम ऑफ द सोशल मीडिया राइट नाउ. ऑल आर पीपल आर, वी हैव टारगेटेड यू पीपल एंड सो बाजू की क्लास में भी हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है. सो दिस इज अ वे, बेसिकली दिस इज अ वे. सो सोशल मीडिया पे दिस इज हाउ यू एंगेज द पीपल, बेसिकली इट इज वेरी सिंपल थिंग. यस सर. या प्लीज. माय टारगेट कस्टमर्स आर फ्रॉम डिफरेंट जियोग्राफिकल. यस. एंड दे मे नॉट नो इंग्लिश. डेफिनेटली. ओके डेफिनेटली. सो हाउ टू टारगेट दोस गाइस इन परफेक्ट. देखो हु आर योर कस्टमर इज लाइक आपको सबसे ज्यादा पता है, राइट? एंड देन अगेन इसीलिए सोशल मीडिया के लिए मैंने बताया था कि वो विजुअलाइज कम्युनिकेट होना चाहिए. देयर इज नो नीड टू बी पुटिंग द टेक्स्ट एंड एवरीथिंग. सो एक जो इमेज जो विजुअलाइज कर रही है आपको, वो चीज एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर. दिस इज द फर्स्ट थिंग. सो सोशल मीडिया के अंदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको. हम जब लॉग इन होते हैं तो हम एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते, हम इमेज देखते हैं. इमेज अच्छा लगा तो फिर हम उसके ऊपर का टेक्स्ट पढ़ते हैं. सो लैंग्वेज बैरियर मेरे हिसाब से विजुलाइज में नहीं आया, फर्स्ट थिंग. सेकंड, सो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई मेरा जो कस्टमर है, सपोज देर आर 100 पीपल आपके पेज पे, उसमें से कितने परसेंट लोग हो सकते हैं कहाँ से, इंडिया से हैं. एक स्टैटिक आपको आपके पेज पे मिलता है, वहां से स्टैटिक चेक कर लीजिए कि भाई कौन सी कंट्री के हैं. सो लेट्स एन एग्जांपल, ज़्यादातर इंग्लिश कहानी चलती है. सो एक एग्जांपल मान के चलते हैं चाइना. आई एम नॉट श्योर चाइना का क्या स्टेटस है इंग्लिश का, ऐसा मान के चलते हैं. सो आप क्या कह सकते हैं कि दिन की जो पोस्ट कर रहे हैं, अगर आपको पता है लेकिन मेरा कस्टमर जो 20-30% चाइना का है, तो आप दो और इंडिया में भी आपके कस्टमर हैं जो इंग्लिश जान रहे हैं. सो आप उसको पोस्ट को डिवाइड कर दीजिए. यू कैन डिवाइड द पोस्ट बेसिकली. सो कुछ इंग्लिश में लिख रहे हैं and some of the one post or something you can put in the kind of language you are using jo home ke liye understandable hai. So this is the may you can consider the mix of strategy you can use. mera to personally ye samajhna hai, use the this kind of images jo aapko kuch likhne ki zarurat hi na padega. self explanatory. anything else? aage chale. yes sir. थोड़ा प्लीज रिपीट अगेन. ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत ज़्यादा अराइज होता है. ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके कस्टमर को है, और आप सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं. जैसे मेरे सबसे उन्होंने पूछा था क्वेश्चन कि मेरे पेज पे आपको दिखाएगा, आप अगर आपके पेज पे इनसाइट करके रहेगा ऑप्शन, वहाँ पे आपको दिखाएगा स्टैटिक कि आपका यूजर आपको कब आपको देख रहा है, कमेंट कर रहा है, लाइक कर रहा है, तो वहाँ से आप एनालाइज कर सकते हैं. इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपका रीच ही वहां तक नहीं हो बिकॉज आपका एंगेजमेंट नहीं था. आपका एंगेजमेंट नहीं,
सो इट डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट. आई पर्सनली सजेस्ट लाइक लेट्स एन एग्जांपल, अगर आप मुझे थोड़ा प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में जब आप बाद में मेरे को मिल लेना ऐसा है तो उस टाइम पे आई विल गाइड यू कि किस तरीके से हम लोग थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं एंड देन यू सी हाउ वन और टू टाइम्स आप करके देखिए, अगर कुछ बेनिफिट मिलता है तो हम लोग उसको वर्क करते हैं. ठीक है, एनीथिंग एल्स? इलाइट गुजराती, गर्वती गुजराती.